हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम फार्मा सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी डॉक्टर लाल पाथ लैब्स का एनालिसिस करेंगे। अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, चाहे ऑटो इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्रीज की कंपनियों में हमें उनके रेवेन्यू में, सेल्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अगर हम फार्मा इंडस्ट्री को देखें तो एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है और आईटी इंडस्ट्री जिसके कि सेल्स और रिवेन्यू में हमें कमी नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि एक हमें जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम डॉक्टर पाथ लैब के बारे में बात करेंगे, उसका स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे कि पिछले साल और पिछले 3 सालों में किस तरीके से रिटर्न दिया है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम फार्मा सेक्टर के ग्रोथ को एनालाइज करेंगे कि नेक्स्ट 2-3 सालों में किस तरीके से ये ग्रो करेगा। इस कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी जानेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे लास्ट में इस वीडियो में देखेंगे कि इस स्टॉक में करंट लेवल पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है इस कंपनी के साथ, उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 1 सालों में इस कंपनी ने 85% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है, वहीं पे पूरा फार्मा इंडस्ट्री देखेंगे तो 96% का रिटर्न दिया था। और पिछले 3 सालों के अगर हम परफॉर्मेंस को देखेंगे तो जहाँ पे सेक्टर ने 115% का रिटर्न दिया है, वहीं पे इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 250% का रिटर्न दे दिया है। इस कंपनी के अगर हम बिजनेस की बात करते हैं सबसे पहले तो ये डॉक्टर लाल पाथ लैब्स 1949 में स्टार्ट हुआ था एक लेबोरेटरी के साथ, और आज हम करेंटली देखेंगे तो इतने सालों में कंपनी के पास 190 प्लस क्लिनिकल लेबोरेटरीज हैं और इसके साथ साथ 5000 से ज़्यादा पिकअप पॉइंट्स हैं। अब पिकअप पॉइंट्स क्या होते हैं कि इस कंपनी ने एक मेन एरिया में एक क्लिनिकल लैब्स खोल लिया है बहुत बड़ा सा, और छोटे छोटे सैंपल कलेक्ट करने के लिए पेशेंट के पिकअप पॉइंट्स इसने बना ली हैं। अब हर जगह लैब खोलना काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, लेकिन अगर अलग अलग जगह पिकअप पॉइंट होने से इस कंपनी को बेनिफिट ये है कि पेशेंट्स के जो टेस्टिंग से रिलेटेड सैंपल्स हैं वो कलेक्ट हो जाता है, फिर वो आके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक मेन लैब सेंटर में आ जाता है, वहाँ से रिपोर्ट कस्टमर को। तो ये एक काफ़ी इफेक्टिव बिजनेस मॉडल है जिसके तहत ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करी है पिछले कुछ वर्षों में। ओवरऑल अगर टेस्टिंग की बात करें तो ये सारे तरीके के टेस्ट करती है, चाहे वो एलर्जी हो, डायबिटीज़ हो, हेल्थ चेकअप हो, वायरल इन्फेक्शन हो, फीवर हो, हार्ट डिजीज़ हो, कैंसर हो, यानी ऑलमोस्ट सारे टेस्टिंग डॉक्टर पाथ लैब्स में हो जाते हैं। अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर इंडस्ट्री। फार्मा सेक्टर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड के लीडिंग फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब में से आता है। दुनिया की 50% जो वैक्सीन्स बनती हैं वो इंडिया में ही बनती है, 40% US की सारी दवाओं की डिमांड इंडिया से पूरी होती है और 25% UK की सारी मेडिसिंस इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती हैं। इंडिया दूसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल्स मार्केट है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और इसके साथ हम बात करें तो 2019 में अगर हम देखेंगे तो जो टोटल फार्मा इंडस्ट्री का जो हमारा टर्नओवर था 1,40,000 करोड़ का था, 2018 में देखेंगे तो 1,30,000 करोड़ का था, यानी कि 2018 से 19 के बीच में 10,000 करोड़ का सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिला था। अगर हम फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो जो करंट वैल्यूएशन है $20 बिलियन का, यहाँ से 2019 से अगर हम देखें तो $130 बिलियन हो जाएगा 2030 तक, यानी कि 5 times होगा आने वाले नेक्स्ट 10 years में। और अगर हम सबसे खास बात बताएं इस फार्मा इंडस्ट्री की इंडिया की, जो दवाइयाँ विदेशों में बनती है या किसी और मार्केट में बनती है वहाँ से हमारे बनाए हुए दवाइयों की जो कीमत है वो 30% लेस होता है। इसकी वजह से इंडियन कंपनी की जो दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होती हैं। अब कंपनी के वैल्यूएशन को देखते हैं, इस कंपनी का मार्केट वैल्यू है 23,000 करोड़ के आसपास है और करेंट प्राइस देखेंगे तो 2,800 के आसपास है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 98 के आसपास है, यहाँ से देखने में ये काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन जब भी हम फार्मा सेक्टर और FMCG कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हायर PU रेशियो हमेशा देखने को मिलेगा, तो हमें इस ट्रैप में नहीं पड़ना है, नहीं तो हम जो है इसकी ग्रोथ को कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देख के इसके स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो।
कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड को देखें तो 32% है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 22% है। अगर हम कंपेरेटिवली देखेंगे पीयर कंपनियों का तो ये एक काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहा है बाकी कंपनियों के मुकाबले। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। ये हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी तरीके का हेडक नहीं देगा, क्योंकि कंपनी का जो टोटल डेट है वो बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। फार्मा सेक्टर की कंपनियों से कंपेयर करें तो देखें तो डॉक्टर पाथ लैब्स का जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेकेंड नंबर पे आ रहा है, और रिटर्न ऑन एसेट देखें या रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, इन सभी मामलों में और सब कंपनियों से काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है। ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो जो 2016 में कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू था वो 765 करोड़ का था, और आज हम देखेंगे 2020 में यानी ऑलमोस्ट 4 ईयर में तो रिवेन्यू देखेंगे तो 1200 ऑलमोस्ट 80-90% का ग्रोथ हमें रिवेन्यू में देखने को मिला है। प्रॉफिट में भी देखेंगे तो 125 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी वो 223 करोड़ के आसपास हो गया है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ देखते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक के प्राइस को ड्राइव करने के लिए। अब देखें 2016 में जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो 15 का था, और अभी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल के करीब है, 30 से कम 27 के आसपास है। तो पिछले 4 सालों में एक काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हमें कंस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ये वो पीरियड रहा है जबकि टेस्टिंग की इतनी डिमांड नहीं थी, यानी कि कोरोना वायरस का ना ही सेकेंड वेव आया था और ना ही इतनी ज़्यादा डिमांड थी। तो आने वाले टाइम में कंपनी के रिवेन्यू में अगर हमें एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिले तो कोई भी सरप्राइज वाली बात नहीं है। ओवरऑल अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देख लें तो जहाँ पे 310 करोड़ का रिवेन्यू हुआ था दिसंबर 2019 के क्वार्टर में, अभी बढ़ के 427 हो गया है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 6.20 था, वो बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गया है 2019 से 2020 में। अर्निंग पर शेयर्स को देखें तो ये डबल हो चुका है। अब कंपनी के फ्यूचर एक्सपेक्टेड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो देखें तो 2019 में जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर था वो 20 के आसपास था, 22 में देखें अगर हम सितंबर तो ये है 24 के अराउंड। प्रोजेक्टेड ग्रोथ अगर एस्टिमेटेड ग्रोथ की बात करें तो ये आने वाले 2-3 सालों में इस लेवल से 40 क्रॉस कर जाएगा, यानी यहाँ से जिस तरीके से 2016 से लेके हमारा जो अर्निंग पर शेयर था वो 2020 तक ऑलमोस्ट डबल हुआ था, वैसे ही ये अब यहाँ से बढ़ के नेक्स्ट 2-3 सालों में फिर से डबल हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। जिस तरीके से अगर देखें रिवेन्यू ने ग्रोथ दिखाया है पिछले 3 सालों में वो 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 15% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ग्रो किया हुआ है। अब इस कंपनी के साथ जुड़े रिस्क को भी समझ लेते हैं। अब आने वाले टाइम में जिस तरीके से ई कॉमर्स कंपनियां ग्रो कर रही हैं फार्मा सेक्टर में, तो यहां से इसको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। ये एक रिस्क भी है और कंपटीशन भी बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो टेस्टिंग्स हैं डॉक्टर पाथ लैब्स के, वो थोड़े ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो यहाँ से हमें जो लोकल क्लिनिक्स होते हैं वहाँ से चैलेंजेस देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो यानी कॉस्ट को बढ़ाने का इसका जो चांसेस है कि कॉस्ट को इनक्रीज करके इस टाइम पे अपने रिवेन्यू को बढ़ा ले, तो वो चांसेस कम दिखता है। लेकिन जिस तरीके से नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यानी वॉल्यूम में ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। अब यहीं से कंपनी की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। अगर कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो आप देखें तो 50% से भी ज़्यादा जो स्टेक है ऑलमोस्ट 55% प्रमोटर्स का है, तो यहाँ से भी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं से भी कोई खतरा नज़र नहीं आता। उसके अलावा अगर देखें म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 5.31 का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 26% का स्टेक है। तो यानी अगर हम सारे जो DIIs, FIs और प्रमोटर की शेयर होल्डिंग को काउंट कर लेंगे तो 85 + 25 + 5 = 60 to 80 ऑलमोस्ट 85 90, यानी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 90% जो स्टेक्स है वो DIIs, FIIs और प्रमोटर्स के पास में है। तो ये स्टॉक काफ़ी सेफ हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं किन लेवल्स पे हमें बाई करना चाहिए और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को देखें तो चार्ट पे, मंथली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो ये हमेशा से कॉन्स्टेंटली ग्रो किया है,
लेकिन इस महीने में हमें एक थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है और करंटली ये 2800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम वीकली चार्ट पे इसको हम देखते हैं तो हमें एक नया जो फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है वो 2600-2500 के आसपास फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन जिन्होंने अभी भी इसको बाई किया हुआ है उनको सेल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं दिखती है, क्योंकि अब यहाँ से हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक 2500 के लेवल पे 2300 के लेवल पे मिलता है तो हम बहुत ही एग्रेसिवली बाई कर सकते हैं, लेकिन आई बिलीव इस लेवल तक नहीं आएगा। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन के बाद में एक हमें अपर रैली देखने को मिल सकती है एक दो महीनों में, और अगर ओवरऑल एक दो साल के लिए इसको होल्ड करना चाहें तो हम बिल्कुल पूरी तरीके से बिना किसी, जिस तरीके से कोरोना वायरस का टेस्टिंग है या फिर किसी भी तरीके की जो डिमांड है इन चीज़ों की बढ़ने वाली है, तो फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है, हम इसको इस लेवल पे भी होल्ड कर सकते हैं। अगर 2300-2500 के लेवल पे हमें मिलता है तो एग्रेसिवली बाई कर सकते हैं, बट सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।